हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल जिसका नाम है गोपाल शर्मा क्लासेस। बच्चों, आज जो हम चैप्टर करने वाले हैं वो लेसन नंबर 8 क्लास 10 से, जो है मिचबिल द ऑटर। एंड दिस चैप्टर इज रिटन बाय गैविन मैक्सवेल। और ये जो चैप्टर है वो है फर्स्ट फ्लाइट की बुक से। तो इस चैप्टर के अंदर बहुत ही अच्छी स्टोरी है और क्वेश्चन जरूर उठते हैं। इस चैप्टर के अंदर आपको इस चैप्टर की समरी और समरी से रिलेटेड पूरे चैप्टर में से जो भी एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है वो इसके अंदर डिस्कस किया जाएगा। गैविन मैक्सवेल जो कि एक ऑथर है, उसने एक पैट पाला हुआ था जिसका नाम था जॉनी, लेकिन कुछ टाइम के बाद उसकी मौत हो जाती है और वो निकल पड़ता है नए पैट की तलाश में और उसकी जर्नी स्टार्ट हो जाती है नए पैट में। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो जो क्वेश्चन इसके अंदर बनते हैं वो है डिस्क्राइब हाउ द ऑथर केम टू हैव एन ऑटर, मतलब किस तरह से लेखक को किस तरह से ऑटर मिला। या फिर क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है, हाउ डिड इट कम टू हिज माइंड टू हैव एन ऑटर, राइट डाउन इट्स अर्लियर स्टे विद द ऑथर, मतलब किस तरह से उसके माइंड में आया एक उदबलाव को रखने का और किस तरह से शुरुआती दिनों में वो दोनों एक साथ रहे। और या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है, या फिर क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, हाउ डिड द ऑथर बिहेव इन द बिगनिंग, हाउ डिड ही बिकेम फैमिलियर विद द ऑथर, मतलब शुरुआती दिनों में उसका बर्ताव कैसा था ऑथर का और वो किस तरह से उसके ऑथर के फैमिलियर हुआ। तो स्टार्ट करते इसका आंसर। गैविन मैक्सवेल वॉज फॉन्ड ऑफ पैट्स। गैविन मैक्सवेल को पालतू जानवर रखने का बहुत ज़्यादा शौक था। ही हैड ए पैट डॉग नेम्ड जॉनी, मतलब उसके पास एक पालतू जानवर था जिसका नाम था जॉनी। ही बिकेम सैड वैन हिज पैट डॉग हैड डाइड, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा उदास हो गया जब उसके पालतू की कुत्ते की मौत हो गई। ही थॉट टू कीप अ डॉग अगेन सिंस ही फेल्ट दैट लाइफ विदाउट ए पैट वॉज लोनली, मतलब उसने ये सोचा कि अब उसकी ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा उदास हो गई थी किसके बिना पालतू के। वाइल ट्रैवलिंग टू द साउथर्न इराक इन द अर्ली ईयर ऑफ 1956 इट केम टू हिज माइंड दैट ही मस्ट कीप एन ऑटर रैदर देन ए डॉग, मतलब जैसा कि कहानी में बोला गया गैविन मैक्सवेल को पालतू जानवरों का बहुत ही ज़्यादा शौक था और उसने एक पालतू कुत्ता भी रखा था जिसका नाम था जॉनी, लेकिन कुछ समय के बाद उसकी मौत हो गई जिससे वो बहुत ही ज़्यादा उदास हो गया। अब उसके बाद उसकी लाइफ में एक अकेलापन आ गया और उसी अकेलेपन को दूर करने के लिए वो तलाश में निकल गया एक नए पालतू के लिए। और इस चैप्टर के अंदर हम यही पढ़ेंगे कि उसके साथ कौन सा पालतू जानवर आया और किस तरह से उसने उसके साथ लाइफ गुजारी। तो स्टार्ट करते हैं। वाइल ट्रैवलिंग टू साउथर्न इराक इन द अर्ली ऑफ ईयर इन द अर्ली ईयर ऑफ 1956 इट केम टू हिज माइंड दैट ही मस्ट कीप एन ऑटर रैदर देन ए डॉग, मतलब मीन्स जब उसकी यात्रा हो रही थी इराक से लेकर साउथर्न इराक की ओर में तो उसके माइंड में आया 1956 में कि उसे एक ऑटर लेना चाहिए, क्या डॉग के बजाय। मतलब ऑटर एक ऐसा जीव होता है, एक ऐसा जानवर होता है जो पानी में रहता ज्यादातर। व्हेन ऑथर रीच्ड हिज बेडरूम ही फाउंड टू अरब्स विद ए नोट फ्रॉम हिज फ्रेंड्स इन ए सैक देयर वाज एन ऑटर, जब वह अपने घर में पहुंचता है यात्रा के बाद वो देखता है उसके घर में क्या दो अरब लोग बैठे हुए हैं और उनके हाथ में एक नोट है और उनके पास एक बोरा जिसके अंदर ऑटर था। इट वॉज ए स्मॉल क्रिएचर लाइक अ ड्रैगन, मतलब एक छोटा सा जानवर था ड्रैगन की तरह। इट वॉज क्रिश्चंड मैक्सवेल्स ऑटर, मतलब उसे नाम दिया गया ऑटर, उसे मैक्सवेल ने नाम दिया ऑटर। मिज वॉज इंटेलिजेंट फ्रेंडली एंड फन लविंग एनिमल हु नीड्स लव, मतलब मिज एक बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट दोस्ती भरा और प्यारा जानवर था जो बहुत ही ज़्यादा प्यार की जरूरत थी जिसे।
इन द बिगिनिंग द ऑटर वॉज नीदर हॉस्टाइल नॉर फ्रेंडली। शुरुआती दिनों में ऑटर ना तो दोस्त था ना उसका दुश्मन था। ही चोज टू स्लीप ऑन द फ्लोर नियर द ऑटर्स बेड। वह सोता था उसके बगल वाले बेड के बगल में। बट सून ही गॉट फैमिलियर विद द ऑटर एंड ही स्टार्टेड टेकिंग कीन इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग। लेकिन कुछ दिनों के बाद ही वो फेमस उनके दौरान में फैमिलियर होता चला गया और उसके आसपास के माहौल में ढलता चला गया। या फिर क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है, गिव एन अकाउंट ऑफ मिजबिल्स जर्नी टू लंदन। मतलब मिजबिल की जो जर्नी थी लंदन की उसके बारे में बताइए। तो स्टार्ट करते हैं। द ऑथर वांट टू गो टू इंग्लैंड सो ही अप्रोच द ब्रिटिश एयरलाइन विच रिफ्यूज द फ्लाइट फॉर हिज मिजबिल। ऑथर ने मतलब लेखक ने इंग्लैंड जाने के लिए वो इंग्लैंड जाना लेखक इंग्लैंड जाना चाहता था तो उसने ब्रिटिश एयरलाइन तो वह ब्रिटिश एयरलाइन के पास गया लेकिन ब्रिटिश एयरलाइन ने उसे मना कर दिया मिजबिल को ले जाने के लिए। द ऑथर देन हैड ए फ्लाइट फॉर पेरिस एंड देन टू लंदन। उसके बाद उसने पेरिस से पहले पेरिस और फिर लंदन जाने के लिए ट्राई किया। दे इंस्टीड ए बॉक्स ऑफ 18 स्क्वायर फॉर द ऑटर। उन्होंने उसे जोर दिया कि वो 18 स्क्वायर का मतलब एक बॉक्स ले उसके अंदर ऑटर को लेके जाए। इन द एयरप्लेन्स द ऑथर वॉज एडवाइज बाय द एयर होस्टेस टू कीप मिजबिल ऑन हिज नीज। इन द एयरप्लेन एरोप्लेन के अंदर एयर होस्टेस द्वारा ऑथर को सलाह दी गई कि मिजबिल को अपने पैरों के ऊपर रखे और उसने अपने उसे पैरों के ऊपर ऐसा ही किया। उसे बॉक्स के अंदर लेकर अपने पैरों के ऊपर बैठा लेकिन अचानक ही वह उसके अंदर से गायब हो गया। पूरे एरोप्लेन के अंदर क्या चीख चिल्लाहट मच गई कि ये कौन सा क्रिएचर आ गया नया। पूरे एरोप्लेन के अंदर चीखने की आवाज़ आने लगी चिल्लाने की। एंड ए वूमेन क्राइड सडनली ए वूमेन क्राइड रैट रैट। मतलब अचानक ही उस औरत को दिखाई दे उसे ये नहीं समझ में क्या है अजीब सा जानवर। उसने बोला बड़ी तेज चिल्लाई जिसका मतलब था रैट ए रैट ए रैट। ऑन सीइंग हिज ऑटर द लर्नर फेल्ड टू रिकॉग्नाइज इट। मतलब जब उस ऑटर को देखा तो लंदन वालों ने भी उसे पहचानने से बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए। द ऑथर वॉज रिड्यूस्ड टू गिगल्स देन ए लेबर ग्रोल आउट हियर मिस्टर What is that supposed to be? Thus ended the stay of both of them in London. मतलब जब वह लंदन की गलियों में घूम रहा था तो कई सारे लंदनर जो लंदन के निवासी थे वो उसे पहचानने से बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते थे और ऑथर क्या था मनी मन हंसता था उन्हें देखकर। एक लेबर ने उसे देखा और उसे देखकर अपने सारे काम करते हुए रुक गया और उसने बोला देखो हे मिस्टर इधर आओ ये क्या है तुम्हारे पास। तो मतलब इस तरह से कई सारे जानवर मतलब कई सारे लोग थे जो उसे देखकर कंफ्यूज जाते थे। तो इस तरह से क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आएगा। तो ये फिलहाल के लिए इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा बताना ना भूलिए। तो फिलहाल के लिए वीडियो यहीं पर ही खत्म होता है। एक लॉन्ग क्वेश्चन 100% आ सकता है। अगर लॉन्ग नहीं आएगा तो बच्चों शॉर्ट तो जरूर आ सकता है। तो आपको वीडियो कैसा लगा बताना ना भूलिए। और हाँ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ जो कि बहुत ही जल्दी आएगी। टिल देन हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए देखते रहिए गोपाल शर्मा क्लासेस। गुड बाय।